हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी में स्वागत है। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो डालता हूं जो कि डीफॉर्म फर्स्ट ईयर और डीफॉर्म सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। आज का टॉपिक है हमारा हैमर मिल, जो कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इससे पहले मैंने साइज रिडक्शन पे वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें जनरल चीज़ें मैंने बताई हुई थी। इसमें हम कुछ इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे हैमर मिल हो गया, फ्लूड एनर्जी मिल हो गया। तो आज हम बात करेंगे हैमर मिल के बारे में। तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम प्रिंसिपल क्या होता है। इसका प्रिंसिपल होता है दोस्तों इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं? अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और आज आपका ये हैमर मिल समझ लीजिए ख़त्म हो गया दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो गया। एक कॉपी पेन उठाइए, उसको नोट करिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं? जो भी इसमें हमको दिखता है, जो इसके पार्ट्स होते हैं वही लिखते हैं दोस्तों। देखिए, अपर पार्ट में फीड हॉपर होता है। अगर हम इसके ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो ये फीड हॉपर लगा हुआ है। लोअर पार्ट में स्क्रीन ऑफ डिजायर्ड साइज, और ये डिजायर्ड साइज की स्क्रीन लगी होती है लोअर पार्ट में दोस्तों। और स्क्रीन इज रिप्लेस्ड एज पर साइज रिक्वायर्ड। और जितनी भी हमको साइज, मान लो ये इसमें छोटे जितने भी छोटे छोटे छेद होंगे तो छोटा छोटा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा, लेकिन बड़े बड़े अगर इसमें छेद होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल जो होगा उसका साइज बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, अगर ये स्क्रीन हम जिस हिसाब से लगाएंगे उस हिसाब से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। फोर और मोर हैमर्स अटैच्ड विद सेंट्रल शाफ्ट, और ये जो सेंट्रल बीच में एक शाफ्ट लगा हुआ है, इससे चार या चार से ज्यादा ये हैमर्स लगे होते हैं। काम कैसे करता है ये, वर्किंग इसकी देख लेते हैं। तो वर्किंग में आप लोग समझ लीजिए, इसकी सिंपल सी वर्किंग है दोस्तों। वर्किंग में मटेरियल इज फेड इन द ग्राइंडिंग जोन। मटेरियल को हम ग्राइंडिंग जोन में फीड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हॉपर में डालते हैं, उसके बाद में यहाँ से इसमें आ जाता है। इन द ग्राइंडिंग जोन में क्या होता है? द हैमर्स रिवॉल्व्स। ग्राइंडिंग जोन में जो हैमर्स होते हैं वो रिवॉल्व्स एट वेरी हाई स्पीड। मतलब इसमें दोस्तों क्या होता है, ग्राइंडिंग जोन में जो हैमर्स लगे होते हैं वो बहुत ही तेज घूमते हैं, लगभग 5,000 से 10,000 राउंड पर मिनट। एक मिनट में ये इतने राउंड लगा लेता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे, मटेरियल इज थ्रोन आउट सेंट्रीफ्यूगली इज ग्राइंडेड बाई इम्पैक्ट। और जो मटेरियल होता है वो सेंट्रीफ्यूगली ग्राइंड हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमर्स के इम्पैक्ट के द्वारा, वो टूटता है। और अगेंस्ट द प्लेट लॉन्ग एलोंग पेरीफेरी ऑफ मिल्क केसिंग। थोड़ा सा एक पॉइंट और दोस्तों है, तो आप लोग समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ से मटेरियल फीड करते हैं, इसमें यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे हैमर्स लगे होते हैं, हैमर से बहुत तेजी से घूमते हैं, तो क्या होता है, मटेरियल टूटता है। और वो मटेरियल टूट के यहाँ पे गिरता है, और यहाँ पे गिरने के बाद में जो मटेरियल नीचे आने वाला होता है दोस्तों, स्मॉल पार्टिकल्स इस स्क्रीन की हिसाब से, वो नीचे आ जाता है। फिर और जो बचता है वो फिर से रिसाइकल हो जाता है, मतलब फिर से वो चला जाता है टूटने के लिए, ग्राइंड होने के लिए। इन द पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल फीड इज लेस देन दैट ऑफ द मेस साइज। मतलब अगर जो भी पार्टिकल मेस साइज में, जो भी हमने लगाया हुआ है मेस साइज, मतलब ये जो स्क्रीन लगाया हुआ है, इससे अगर पार्टिकल साइज छोटे हैं दैट ऑफ द मेस साइज, इट विल पास ओवर साइज, पार्टिकल विल रिटेन विल बी द रिसाइकल। वही चीज़ है दोस्तों, कि जो भी पार्टिकल छोटे होंगे वो नीचे आ जाएंगे, और जो भी पार्टिकल बड़े होंगे नहीं पास हो पाएंगे, वो फिर से रिसाइकल हो जाएंगे। तो इतनी इसकी वर्किंग होती है। एडवांटेजेस, रैपिड साइज रिडक्शन। इसमें साइज का जो रिडक्शन होता है वो तेज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कैन ग्राइंडेड, इसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल को हम ग्राइंड कर सकते हैं। ऑपरेशन इज कॉन्टिन्यूस रहती है इसमें। सिंपल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट इजी टू सिंपल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, चलाना इसको आसान होता है। इजी टू क्लीन, और साफ करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस, नो सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए, ये सुटेबल नहीं है। एट हाई स्पीड काउज हीट जनरेशन। जब ये तेज़ी से चलता है तो उसमें क्या होता है,
हीट जनरेट होती है, इसलिए जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। स्टिकी मटेरियल कैन नॉट बी ग्राइंडेड, स्टिकी जो मटेरियल होगा वो चिपक जाएगा उसी में, इसलिए उसको भी हम ग्राइंड नहीं कर सकते। नॉट यूजफुल फॉर अब्रेसिव मटेरियल, अब्रेसिव मटेरियल के लिए भी ये यूजफुल नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।